बैंकॉक मुल्क के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। पहले इस सरकार ने उफा में पाकिस्तान को समानांतर दर्जा आतंकवाद के मुद्दे पे दिया और अब बैंकॉक में हर मुद्दे के ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। ये जो सरकार निरंतर और लगातार ये कहती रही कि जब तक पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि सितंबर 15 और दिसंबर 15 के बीच में क्या बदला? क्या हाफिज सईद के खिलाफ को कार्रवाई की गई? क्या 26/11 का मुकदमा आगे बढ़ा? क्या लखवी को दोबारा से गिरफ्तार किया गया? क्या दाऊद इब्राहिम को आपके हवाले क्या किया गया? तो क्या बदला है सितंबर और दिसंबर 2015 के बीच कि उफा में जफ्फी पफ्फी डालने के बाद फिर आपने पाकिस्तान के साथ कबड्डी खेली और कबड्डी खेलने के बाद आप फिर जफ्फी पफ्फी डाल रहे हैं? तो क्या ये आपकी नीति है कि ये बिल्कुल एक मजाक है? देखिए, तीसरे मुल्क पे जाके बात होती है, उसे पता चलता है कि दो देशों में संबंध कैसे है, रिश्ते कैसे हैं। और आज भी जब हम बात कर रहे हैं तो कश्मीर में घुसपैठ जारी है, सीज फायरिंग का उल्लंघन हो रहा है। तो ठीक है, हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर साहब जो है बहुत काबिल और बहुत अनुभवी नेता है, हमारा पूरा विश्वास उनके ऊपर है, लेकिन क्या इस बातचीत से कितना फायदा होगा? पहली बात साफ है, शिवसेना हमेशा पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह से रिश्ते रखने में अपना विश्वास नहीं, हमारा नहीं है, क्योंकि बार बार बातचीत होती है, हम झुकते हैं, बार बार हम झुकते हैं, वो नहीं झुकते। ये संसद का अपमान है और देश के साथ विश्वासघात है। मैंने 267 के तहत नोटिस दिया है कि सब कामकाज बंद करके इस पर बहस हो, संसद चल रही है। और सरताज अजीज जो पाकिस्तान के एनएससी हैं, उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर पर वार्ता लाए बगैर कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो देश ये जानना चाहता है, संसद ये जानना चाहती है कि क्या कश्मीर भी पुनः बातचीत के एजेंडे में आया है? विपक्ष को भी विश्वास में लेना चाहिए था, संसद को विश्वास में लेना चाहिए था, इसलिए हम तो आज इस प्रश्न को उठाएंगे। मैं तो कहूँगा प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में बयान दे देना चाहिए कि अब तक नवाज शरीफ जी से जितनी बार उनकी बात हुई, किस संबंध में बात हुई, वार्ता का रिजल्ट क्या रहा, कुछ समाधान निकलना है कि नहीं निकलना। देश के नौजवान सीमाओं पर ऐसे ही मरते रहेंगे जैसे मर रहे हैं, आतंकवाद इतना ही रहेगा, तो ये पाकिस्तान, भारत के प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए।